हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड टेस्टी फूड्स। में फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू टिक्की चाट। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करें। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने आलू ले लिया है, 3 आलू मैंने उबाल लिए थे अच्छे से। अब इसमें हम नमक डालेंगे, तो हमें आधे चम्मच नमक डालूंगे। इसे हमें टिक्की बनाना है। उसके बाद हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाल लेंगे। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरह। अच्छे से इसे हम मिला लेंगे, मैश कर लेंगे अच्छे से इस तरह। कहीं भी आलू नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसे अच्छे से टिक्की के लिए तैयार कर लेना है हमें, एकदम अच्छे से मैश कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं टिक्की के लिए एकदम आलू हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं एकदम। अब हम हाथ में हल्के ऑयल लगा के या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, इस तरह गोल गोल बना के टिक्की की साइज बनानी है हमें इसी हिसाब से। और इस तरह इसे हम प्रेस कर देंगे। इसी तरह हमारे सारे टिक्की बना लेनी है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने सारे टिक्की बना लिए हैं। अब इसे हम 15 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाए। तो ये देख सकते हैं फ्रिज से मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे तलेंगे। गैस पे मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, इसलिए थोड़े थोड़े ऑयल डालूँगी जैसे मुझे टिक्की के लिए चाहिए। ये देखिए टिक्की एकदम अच्छे हो गई है, आराम से इसे मैंने उठा लिया है। अब इसे हम ऑयल में डालेंगे, ऑयल अच्छे से गर्म हो गई है इस तरह। तो यहाँ चाहे तो आप ऑयल गैस की आँच को हम कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे अच्छे से क्रिस्पी हमें फ्राई करना है। तो थोड़े कम आँच में हम इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक दोनों तरफ से पलट के अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि टिक्की अच्छे से कुरकुरे बने और इसका टेस्ट भी खाने में काफ़ी अच्छी आएगी। धीरे धीरे हमें पलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं एकदम टिक्की अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। यहाँ देख सकते हैं मैंने हरी धनिया और गुड़ की चटनी, ये हरी धनिया घर में रहती है, इसे आराम से गुड़ की चटनी, गुड़ के साथ चटनी बना ले। ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीफ मैंने काट के रख लिया था। सबसे पहले काट डालें,
अब इसमें हम चाट मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम आधी चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। थोड़े से आमचूर पाउडर डालेंगे। उसके बाद सेव भुजिया आती है वो हम ऊपर से फैला लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आमतौर पर घर में रहती है। बहुत कम मेहनत के में बन जाएगी, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। बहुत ही खाने में यमी और टेस्टी लगेंगे। ये देखिए तो दोस्तों, इस रेसिपी को शेयर जरूर कर दीजिए, साथ में लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिए।